हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले भारत पेरेंटरल्स के बारे में, और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, फिर उसके शेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इस पे मैं आज कंप्लीट एनालाइज करने वाला हूँ, और आपको ये शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भारत पेरेंटरल कंपनी, ये गुजरात बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और 1992 में ये फाउंडेड है, और रमेश देसाई इनके फाउंडर है, हु स्टार्टेड द कंपनी विद द विजन ऑफ मेकिंग वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल मेडिसिंस। तो सस्ते मेडिसिंस बनाने का उनका सपना था, और इस वजह से ये कंपनी आई है, ठीक है। और ये इसके यूनिट्स ज़्यादातर गुजरात में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और यहाँ पर इसके कुछ वेबसाइट पे बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इनके प्रोडक्ट कैसे है ये भी थोड़ा देख लो। तो ये है इनका वेबसाइट, और यहाँ पे डोंट लुक फर्दर, हेयर इज़ द की, हार्नेसिंग साइंस फॉर लाइफ, और यहाँ पे कुछ क्वालिटी फॉर्मुलेशन, अच्छा रिच एरे ऑफ क्वालिटी फॉर्मुलेशन बताया, और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके ऐसे ये बता रहा है। और ये अब्रॉड में भी, इंडिया एंड अब्रॉड में इनका प्रोडक्ट्स जाते हैं, मेडिसिन जाती है। तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट आप थोड़ा देख लोगे कौन से टाइप के प्रोडक्ट है क्या है, और यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है इनके, 800 प्रोडक्ट स्प्रेड ओवर मोर देन 20 डिफरेंट कैटेगरीज। तो 800 प्रोडक्ट है, और 20 कैटेगरीज के अंदर आते हो 800 प्रोडक्ट। और यहाँ पे इसको कितने साल हुए ये बता रहे, 25 इयर्स कंप्लीट एड ये कंपनी को है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड रीच है, 35 कंट्रीज़ के अंदर इनके प्रोडक्ट जाते हैं। तो 35 कंट्रीज़ समझ लो कि अच्छा खासा इनका रीच है, ठीक है। और यहाँ पे ये शॉर्ट में बताया है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 800 प्लस प्रोडक्ट है, 35 कंट्रीज़ है, और 25 साल हो गए। और यहाँ इनके ऑपरेशन किस टाइप के होते हैं, ये इनके मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ इस टाइप के है, और फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस टाइप में है रिसर्च का। तो ये वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको सही से देखने मिलती है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ, द कंपनी हैज़ स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्प्रेड ओवर 30,000 स्क्वायर फीट एरिया विद द लार्ज बैच साइज कैपेसिटी फॉर गुजरात जनरल टैबलेट्स, टैबलेट्स से है, कैप्सूल से, ओरल लिक्विड से, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल से, और ड्राई पाउडर इंजेक्शन से, आई ड्रॉप से, और ऑइंटमेंट है लोशन से, क्रीम से, पाउडर से, एंड अ सेपरेट यूनिट फॉर बी लैक्टम। तो उसके लिए टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई सिरप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस। तो ये इनके सारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, और चाहिए तो आप इनके प्रोडक्ट जाके देख सकते हो कौन से प्रोडक्ट है, शायद आप कहीं आपने यूज़ किया होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि आप वो चीज़ यूज़ किए हैं या नहीं है। तो हर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे आपको, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। और एंटी रेट्रोवायरल है, और ये बी लैक्टम वाले एंटीबायोटिक्स है, और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के है, एंटी एलर्जिक है। तो जितने आपको कैटेगरीज होती है, एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है, और एंटी ट्यूबरकुलस जो टीबी वगैरह एंटी फंगल्स है, ठीक है, एंटी डायबिटिक है, तो बहुत सारे है प्रोडक्ट इनके, कैटेगरी सभी कैटेगरी नॉर्मली ये कवर करती हो, एंटीवायरल भी है, तो बहुत सारे एंटी कैंसर हैं, जितने आप देखोगे उतने कम ही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आप जितना ढूंढोगे जितना चाहिए वो सारे प्रोडक्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। तो कंपनी का प्रोडक्ट रेंज भी अच्छा है, और अभी बाकी इसका सेल्स कैसा है, और ये प्रॉफिट कितना करती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी शेयर के बारे में बात करेंगे, इसका शेयर कैसा है। तो सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ टिकट टैप पे, और यहाँ से ओवरऑल शेयर का
जो लेना है नहीं लेना है कैसा है ये सारी चीज़ें पता चलेगी। फिर उसके बाद हम उसकी पूरी डिटेल्स में कहीं और जाके और साइट से चेक करेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे एनालाइज होगा, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और नॉलेज आपका बढ़ेगा और सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो जो आपको अच्छा लगेगा तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो ये भारत पेरेंटल, इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो अच्छा बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शेयर अभी भी जो भाव होना चाहिए, जैसे इतने साल से कंपनी मार्केट में है, मार्केट में मतलब बहुत सालों से बिजनेस है, 25 साल से बिजनेस है, बट इसका जो भाव चल रहा है वो शायद और ज़्यादा होना चाहिए था, इसीलिए इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी सस्ता है ऐसा बता रहा है, ठीक है। करंट प्राइस इज़ लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू, तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो होनी चाहिए उससे भी ये आज ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। और रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छा है, मतलब एफडी में अगर आप पैसा डालते हो उससे अच्छा रिटर्न ये स्टॉक में डालने से आपको मिल रहा है। और डिविडेंड रिटर्न तो ऑलरेडी कम ही है, या फिर स्टॉक डिविडेंड देता है कि नहीं ये भी हम आगे देखेंगे। तो डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स ऐसा यहाँ पे बता रहा है, और एंट्री पॉइंट नॉट गुड ऐसा बता रहा है, तो अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं है, ये ओवरबॉट में है, ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा खरीदा गया है, ज़्यादा इसको कंटिन्यूसली बाइंग है और या कहीं ना कहीं ये जाके फिर से गिरेगा ऐसा इनको लगता है, इस वजह से ये ओवरबॉट में जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग किया जाता है तो ओवरबॉट में चला जाता है। और ये कंपनी पे नो रेड फ्लैग है, मतलब ये सही है, कंपनी के लिए ग्रीन फ्लैग है, मतलब ये कंपनी में डूबने के चांसेस नहीं है आपके पैसे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर ये डेटा बता रहा है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस का परफॉर्मेंस देखेंगे कि प्राइस चार्ट कैसा था और रिटर्न्स कितना दिया। तो एक दिन का कल अगर कोई इन्वेस्ट करता उसको 5% एक ही दिन में मिल जाता तो अच्छा खासा रिटर्न ये है, बैंक आपको साल पूरा रखने के बाद 3-3.5% रिटर्न देगी, ठीक है। और यहाँ पे एक वीक का रिटर्न देख लो, लगभग ये 7-7.5% है इसका रिटर्न एक वीक का, ठीक है। फिर ये और यहाँ पे एक महीने का रिटर्न देख लो, लगभग 19-20% पकड़ लो, लगभग 20% तक इसका रिटर्न है एक महीने का। और एक साल का रिटर्न देख लो, लगभग 16-17% इसका रिटर्न है। ये शेयर्स अप एंड डाउन बहुत हुआ है इसके लाइफ में एक साल के अंदर भी। और यहाँ पे 5 साल का रिटर्न आ रहा है, तो 5 साल को यहाँ से 2018 से गिना है, और ऑलरेडी ये शेयर 2018 से ही मार्केट में आया है, शेयर मार्केट में आया है, इस वजह से इसका डेटा 2018 से, क्योंकि 2018 से 2022 तक 5 साल कंप्लीट नहीं होते, इसीलिए जो भी है जितना डेटा है वही बताएंगे। जैसे हम मैक्स भी करेंगे तो मैक्स में जब से कंपनी स्टार्ट है तब से बताएंगे, तो यहाँ 20 साल का चार्ट होता है मैक्सिमम, बट यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है ये शेयर 2018 से ही आया है और वही चार्ट हमको यहाँ पे नज़र आएगा। और ये हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स में यहाँ पे ये भी बता रहा है, और यहाँ पे स्मॉल कैप है ये बता रहा है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 248 करोड़ का है, मतलब 250 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और इसमें रिस्क जो है वो मॉडरेट रिस्क है, मतलब जो निफ्टी है निफ्टी के मुकाबले ये स्टॉक इतना 2.17 गुना मल्टीप्लाई वोलाटाइल करता है, ठीक है, इतने गुना वो मल्टी रिटर्न या रिटर्न नहीं बोल सकते हम, वोलाटाइल होता है ऊपर नीचे उस स्पीड में होता है, तो ये वोलाटाइलिटी का होता है, ये मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क, तो ये मीडियम रिस्क है, तो कोई इतना डरने की बात नहीं है शेयर में। और अभी हम थोड़ा इसका अदर इस पर थोड़ी और डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनर पे लेके जाता हूँ, और ये स्क्रीनर का प्राय चार्ट है और डिटेल्स है, तो स्क्रीनर पे यहाँ पे मैं आपको पहले इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा, यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले, उससे पहले हम कुछ पॉइंट यहाँ पे जो प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस
और फिर बैलेंस शीट में से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में देखो कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डे फ्री है। ऑलमोस्ट डे फ्री मतलब कंप्लीट डे फ्री है नहीं है, बट डे फ्री के आसपास ही है। ये डे फ्री जल्दी हो सकती है, समझा? मतलब कर्जा जो है वो चुका सकती है तुरंत, और कर्जा ज़्यादा नहीं है, कंपनी पे लोन नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है, कंपनी पे लोन ज़्यादा नहीं है। और कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट, कंटिन्यूसली कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है 5 साल के अंदर, 25% के CAGR मतलब कंपाउंडिंग एवरेज रिटर्न जो है उसने, ग्रॉस रिटर्न जो भी दिया है अच्छा दिया है, ठीक है। और कंपनी ने अच्छा खासा इसको, कंपनी का शेयर ने अच्छा खासा इसको रिटर्न दिया है सभी को, और ये अच्छी बात है। कंपनी का जो रिवेन्यू है और प्रॉफिट है तो इसी वजह से ये CAGR निकल के आता है, ठीक है। और कॉन्स में यहाँ पे क्या बताया कि कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, तो और इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कर रही है बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी। कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है, ये कॉन्स बता रहा है। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम बता रहा है बट यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा बता रहा है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, बट सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम बता रहा है और ओवर 5 साल के अंदर। तो ये भी चीज़ें हम सेल्स में भी देखेंगे कि सेल्स का ग्रोथ कैसा होते आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हमको देखना है, इस वजह से आपको वीडियो पूरा भी देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल पता होनी चाहिए और तभी आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये शेयर को लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स भी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेल्स देखो कंटिन्यूसली 90 करोड़ से स्टार्टिंग में 2018 से, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर यहाँ पे बढ़ा 2019 में, फिर से 73 हुआ, फिर थोड़ा डाउन आया सेल्स क्वार्टरली, ठीक है। फिर तो और कम होते होते फिर यहाँ पे 60 थोड़ा हो गया, फिर उसके बाद अभी 60 का क्वार्टर का ये बता रहे हैं। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंटिन्यूसली देखो नेट प्रॉफिट जो है इसका, ये कंटिन्यूसली क्वार्टरली, ठीक है, 6-6.5 करोड़ से थोड़ा कम होते होते फिर यहाँ पे 8.5 करोड़ हो गया, बढ़ गया यहाँ पे ये क्वार्टर में, फिर वहाँ से फिर 7.5 करोड़ या 7-8 करोड़, फिर 6-6, फिर और कम हो गया। मार्च में तो बहुत ही कम हुआ, मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट बहुत कम हो गया, उसके बाद यहाँ पे जून में और जुलाई सितंबर में बढ़ गया, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अब थोड़ा कम ज़्यादा होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम्प्लीटली दिखाया है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को। तो नेट प्रॉफिट देख लो, सब कुछ जाने के बाद सेल्स और ये बाकी एक्सपेंसेस सब माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का ये 10 साल का है, ठीक है, 10-12 साल का, ये 7 करोड़, फिर 3 करोड़, 6 करोड़, 7-7-7 कंटिन्यू 6, मतलब प्रॉफिटेबल ही है। उसके बाद ये देखो 2018 से फिर इसका प्रॉफिट बढ़ना चालू हुआ, फिर बाद में 23 करोड़ फिर 20 का रेंज में ही ये शेयर का ये इनका सेल होने लगा, ठीक है। तो अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट है, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट ही करती आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस शीट में इसका हम क्या देखने वाले हैं, तो इसका हम लोन्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 करोड़ का लोन था, फिर 6 करोड़, फिर 5 करोड़, 14 करोड़, 21 करोड़, फिर ये देखो लोन डे फ्री, फिर बाद में 5 करोड़ का, फिर 1 करोड़ का लोन रह गया मार्च में, फिर से लोन लिया है, लोग का बोरोइंग है 12 करोड़, 12 करोड़ का भी लोन चल रहा है। तो कंपनी का लोन मोस्ट ऑफ कम है, ये लोन चुका के कम भी कर सकती है, ठीक है। तो अच्छा है ये चीज़, ठीक है। तो ये स्क्रीनर पे जो डेटा हमने देखा, इसके लोन भी कम है और प्रॉफिट एंड लॉस का सारी चीज़ें देखी कि प्रॉफिट कर रही है तो नेट प्रॉफिट कितना कर रही है, तो कंप्लीट यहाँ पे भी जो डेटा हमको चाहिए वो डेटा हमने ले लिया। अभी हम बात करेंगे इसका यहाँ पे मनी कंट्रोल पे, और मनी कंट्रोल पे और थोड़ा इजीली आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का प्राइस स्टार्ट होता है 52 वीक लो इसका बनता है 326 का, और 493 का हाई बनता है, तो ये भी हम चीज़ें देखने वाले हैं। और यहाँ पे इसका स्वॉट एनालाइज देख लो, तो स्वॉट एनालाइज में इसका बता रहे हैं ये 6 स्ट्रेंथ है, 1 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी है और 1 थ्रेट है। तो पॉजिटिव चीज़ें स्वॉट एनालाइज में भी
ज़्यादा है क्योंकि 6 स्ट्रेंथ है और 2 अपॉर्चुनिटी और 1 ही वीकनेस है और 1 थ्रेट है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव में क्या बता रहा है स्ट्रेंथ में, तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। हमने भी देखा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बढ़ रही है, तो अच्छा इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट में तो बढ़ रहा है हाँ। और यहाँ पे डी ग्रोथ इन रिवेन्यू एंड प्रॉफिट, तो यहाँ पे डी ग्रोथ रिवेन्यू बता रहे हैं। रिवेन्यू हमने देखा जो सेल्स सेल्स से होता है रिवेन्यू वो थोड़ा कम हो रहा है ऐसा सेल्स, ठीक है। और वहाँ पर भी स्क्रीनर पे भी यही बताया था कि इसका 5 साल का जो निकाला है सेल्स का परसेंटेज थोड़ा कम होते जा रहा है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटीज 2 है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, और इसका हाई आरओसी है। हाई आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न अच्छा देती है कैपिटल पे, आपका जो कैपिटल यूज़ हो रहा है यहाँ पे मार्केट में जो आपने कैपिटल लगाया उसका अच्छे से यूज़ करके ये रिटर्न अच्छा खासा कमा रही है दे रही है। और इसका पी सस्ता है बता रहा है एंड लो पी, पी सस्ता है तो ये भी अच्छी बात होती है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। और यहाँ पे थ्रेट है, ये नॉर्मली बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर्स में यहाँ पे ये दिखेगा आपको, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो नॉन कोर इनकम कोई अदर इनकम, इनका हर बिजनेस कोई ना कोई अदर भी इनकम उनका आता है उस पर भी थोड़ा डिपेंड रहता है, ऐसा नहीं कि जो मेन कोर बिजनेस है उसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करते, तो कहीं ना कहीं से कहीं इन्वेस्टमेंट होता है कहीं पर कुछ होता है तो वहाँ से भी इनका इनकम आते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे हमने मार्केट कैपिटल तो देख लिया था कि 262 करोड़ का है और बाकी यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है। और पीबी रेशियो तो सस्ता अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा इसलिए क्योंकि हमने इसका ये भी देखा लोन जो है बहुत कम है, इस वजह से टेंशन नहीं है ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि लोन कभी भी चुका सकती है जल्दी, ठीक है। और यहाँ पे इसका बुक वैल्यू 249 का आ रहा है और इसका करंट जो प्राइस चल रहा है ये 455 का है, तो वो भी ठीक ठाक ही है और यहाँ पे सही है। और यहाँ पे इसका जो पी है वो 11 का है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरव्यू में भी पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। अभी इसका थोड़ा एडवांस चार्ट देख लेंगे, एडवांस चार्ट में मैं डायरेक्ट 1 साल का चार्ट दिखा देता हूँ। और 1 साल में ये शेयर ने ये स्टार्ट होता है, ये 386 के लो से स्टार्ट होता है, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर वहाँ से डाउन आता है, फिर डाउन ये देखो बहुत इसमें ये हो गया, बहुत ट्रेडिंग हो गया और इसमें बहुत सारा मोमेंट, यहाँ पे देखो बहुत गैप डाला है, तो ये शेयर ने ये जो मे का टाइम है वहाँ पे अच्छा बड़ा गैप मार के डायरेक्ट बड़े गैप मार के ये शेयर बढ़ता गया। और यहाँ पे जो लो था उसके पहले ये लो है 406 का लो नज़र आ रहा है, ये 381 का यहाँ पे लो है, फिर यहाँ पे 381 का ही लो है, फिर उसके बाद ये शेयर देखो 381 से डायरेक्ट बढ़ के 493, तो कि ज़बरदस्त इसने कुछ ही महीनों में या एक ही महीने के अंदर इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया था। जब इसने रिटर्न दिया उसके बाद ये शेयर गिरा कंटिन्यू, जब गिरा तब मेरी एंट्री होती है ये शेयर में लगभग 360 के भाव के आसपास, तो 360 का भाव यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। मैंने एंडिंग में एंट्री ली है इसमें, तो यहाँ पे 361 का भी लो दिख रहा है, तो यहीं पे मैंने एंट्री ली थी जब इसका 360 का भाव आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया था एंडिंग में 30 जून के आसपास ही लिया था मैंने, और फिर उसके बाद ये शेयर कंटिन्यूसली फिर थोड़ा अप गया थोड़ा सा, बट वहाँ पे मैं निकला नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं 20 से ज़्यादा ही रिटर्न लेना चाहता हूँ। तो उसके बाद ये शेयर गिरा, देखो शेयर फिर से गिर के ये अभी जो भाव आया है इसका, फिर ये डायरेक्ट 331 हो गया था,
फिर वो टाइम पे भी थोड़ा बहुत मुझे लेने मिला जब जब, क्योंकि ये शेयर में बहुत उछाल होता है, क्योंकि ये BSE का शेयर है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ओनली BSE पे ट्रेड होता है, ये यहाँ पे दिखाया है। तो BSE के शेयर में बहुत मोमेंटम होती है, अप डाउन ज़्यादा हो जाता है वो, तो कभी कभी जल्दी भी निकलने मिलता है। देखो ऐसा भी होता है तो जल्दी निकलने मिल जाता अगर मेरी एंट्री पहले यहाँ पे, बट नज़र भी पड़ना चाहिए कौन से शेयर्स पे। तो बहुत सारे शेयर ऑलरेडी मैं ट्रैक करते रहता हूँ, फिर वो शेयर अगर वो टाइम पे मिल जाता है तो वो टाइम पे अगर इन्वेस्ट करता तो मैं इसमें एक महीने के अंदर भी निकल जाता, 1 महीना 15 दिन। तो कभी कभी शेयर में जल्दी निकलने मिल जाते हैं। फिर अभी मैंने एंट्री की, चलो सोचा कि और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 1 महीने में 1.5 महीने 2 महीने, बट वो जून या जुलाई का ही पकड़ लो, तभी की एंट्री मैंने करने के बाद भी ये शेयर थोड़ा अप जाके फिर डाउन आया। फिर डाउन आने के बाद भी मैं छोड़ता नहीं कि तभी भी थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर ये शेयर देखो अच्छे से फिर बढ़ता है, फिर हो जाता है, इसने हाई बनाया था 424 का, तो उधर से भी मेरा 424 पे भी मैंने बेचा नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी मेरा वो परसेंटेज नहीं आता। मेरा परसेंटेज अभी आया 436 के ऊपर, मेरा 20 के ऊपर परसेंटेज जा रहा था, तो मैं 336 जैसे पार करेगा मैं उसको सेलिंग के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाल के तो रखा था, मोस्ट ऑफ टाइम डाला था, फिर बाद में देखो शेयर फिर से गिरा, ठीक है, 424 का कुछ हाई मार के ये फिर से ये शेयर नीचे जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप आता है। तो ये BSE के शेयर्स का यही होता है, तो मोस्ट ऑफ फिर वो उसी रेंज में खेलते खेलते फिर आज के दिन इसने वो दिन दिखा दिया और ये 455 का हो गया और आज मैं इसमें से निकल गया, ठीक है। तो ये 1 साल के अंदर ही पॉसिबल हो, और ये यहाँ पे 6-7 महीने लग ही गए। कभी कभी शेयर जल्दी देते हैं रिटर्न, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी पे होता है और वो मोमेंट कितना बड़ा देता है उस पर भी डिपेंड है। शेयर अच्छा था और मैं मोस्ट ऑफ यही सोचता हूँ कि कोई अच्छे शेयर्स में लेके रखो, ताकि उसमें ज़्यादा टाइम भी लगे तो कोई बात नहीं है, उसकी डिविडेंड या अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी तो डिविडेंड खाते रहने का या फिर वेट करने का, क्योंकि दूसरे भी शेयर्स प्रॉफिट देते हैं। और मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कोई भी शेयर अगर साल में 20 से ज़्यादा दे रहा है रिटर्न, तो वो अच्छा ही माना जाता है, 20 से 25 से 30 से रिटर्न, क्योंकि वो उस टाइप में CAGR अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। ओनली 20-20 भी 1 साल में मिले तो भी अच्छा होता है, बट आपको ये कभी कभी 6 महीने में, 5 महीने में, कभी 2 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में भी कभी कभी पॉसिबल हो जाता है। सब बाकी चीज़ें उसके शेयर के मूवमेंट पे होता है और मार्केट पे होता है। तो ये शेयर ने थोड़ा टाइम लगा दिया, बट दिया, कम से कम रिटर्न दिया। रिटर्न देना सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस शेयर में हाथ डालो उसमें से रिटर्न निकले वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 5 साल पहले तो कंपनी नहीं थी, बट ये 2018 से जो भी कंपनी स्टार्ट होती है, जो प्राइस होता है ये 167 का लो दिख रहा है, वहाँ से कंपनी ने हाई मारा था इसका 325 का, फिर देखो डाउन मारा। तो यही होता है, अप एंड डाउन बहुत आता है। फिर से ये 116 आया, फिर 116 के बाद देखो फिर से ये अप गया, 116 के बाद इसका प्राइस होता है यहाँ पे 232, मतलब यहाँ पे देखो कितना फास्ट मूवमेंट देता है, डायरेक्ट डबल हो जाता है, 1 महीने के अंदर भी डबल हो जाता है ऐसा शेयर है ये। फिर इसके बाद ये मोमेंटम वो वही इसमें रेंज बाउंड जैसा ही मूवमेंट करता है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर यहाँ से एक बड़ा अप देता है। तो यहाँ से जो डाउन है इसका ये है लगभग 132 का लो दिख रहा है, ठीक है, 130 एक तो 32 का 131 का लो दिख रहा है, वहाँ से 131 से ये शेयर ने 500, मतलब सोच लो 4-5 गुना इसने रिटर्न दे दिया। कब से दिया था इसने? ये 2020 में, ठीक है। तो यही टाइप में इसी टाइप में 2020 में 30 में जिसने लिया रहता 30 मार्च 2020, तो उसको अगस्त तक शेयर देखो, मार्च से अगस्त कितना होता है, सितंबर तक 6 महीना होता है और अगस्त तक 5 महीना होता है। तो 4-5 महीने के अंदर आपको रिटर्न कितने ज़बरदस्त मिलते हैं, ठीक है। 5 महीने के अंदर शेयर 5 गुना आपको रिटर्न देता, और 5 गुना रिटर्न मतलब ज़बरदस्त रिटर्न होता है। तो इसी टाइप में शेयर्स में प्रॉफिट कर लेते लोग, अच्छे अच्छे शेयर्स में प्रॉफिट कर लेते। तो ये शेयर में पोटेंशियल होता ही है, आपका सिर्फ भाव सही होना चाहिए। तो उसने वो रिटर्न देने के बाद भी देखो
कभी 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 क्या होता है कि वो रिटर्न देने के बाद फिर डाउन आता है, फिर थोड़ा रिटर्न देता है फिर डाउन आता है, बट कुछ जो ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करता है वो बड़ा प्रॉफिट लेके जाता है। और अच्छा शेयर रहेगा तो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी अच्छी होनी चाहिए। फिर वहाँ से भी देखो शेयर ने फिर डाउन मारा, कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है फिर भी डाउन मारता है, अप आता है फिर से वही रेंज में फिर से अप आता है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो कंपनी का ये परफॉर्मेंस आपको पता होना चाहिए कि कंपनी सालों से कैसा, तो मैक्स भी देखेंगे तो वैसे ही चार्ट आने वाला है, कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो वही चीज़ें मैक्स भी वही से उसी दिन से स्टार्ट हुआ था, तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क आने वाला नहीं है, ठीक है। तो एडवांस चार्ट में मैंने आपको बता दिया कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप प्राइस एंड वॉल्यूम परफॉर्मेंस देख सकते हो, एक वीक का रिटर्न कितना है, एक महीने का रिटर्न कितना है, तीन महीने का रिटर्न कितना है, YTD मतलब ये जनवरी से अभी तक कितना रिटर्न दिया। तो मेजॉरिटी इसने अच्छा खासा ही रिटर्न दिया है, देखो तीन साल का भी रिटर्न तीन गुना तो दो डबल तो हो गया है, 123% हो गया है। तो कंपनी ने लगातार अच्छे ही रिटर्न दिए है, तो नॉर्मली कंपनी इन्वेस्टर खुशी रहेंगे इससे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सेल्स का डेटा बताया है वो जून क्वार्टर का बताया है, जिसमें ये 10% से सेल्स बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर के जून से अभी के ईयर जो 2021 का ईयर था वो ईयर में इसने 10% का ग्रोथ दिखाया। तो सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है बट ग्रोथ तो दिखाया इसने, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम थोड़ा अभी फाइनेंशियल देखेंगे, जो ग्राफ वाइज देखेंगे कि कैसा है इसका। तो यहाँ पे रेवेन्यू पहला देखते हैं, तो रेवेन्यू देखो कंटिन्यूसली थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है, 111 करोड़ से 136 करोड़, फिर 219 करोड़, फिर 228 करोड़, फिर यहाँ पे 204 करोड़। तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू तो बढ़ते ही गया, यहाँ पे 204 करोड़ है तो और भी यहाँ पे सेल्स का डेटा ऐड हो जाएगा, तो रेवेन्यू तो ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो देखो कंटिन्यू मैंने जैसे दिखाया था कि नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा था जैसे स्क्रीन पे बताया, तो सालों साल से प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, और अभी भी नेट प्रॉफिट का सितंबर तक का ही प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हुआ रहेगा, तो दिसंबर तक का भी सेल्स आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, तो ये भी डेटा ऐड हो जाएगा, तो ये शायद इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दिखना चालू होगा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है कंपनी की। और यहाँ पे हम इसका भी शेयर होल्डिंग देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, कंपनी के जो ऑनर्स हैं मालिक है, प्लेस तो रखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोन कम है इनके पास, तो अच्छा खासा इनका होल्डिंग है प्रमोटर का, मतलब प्रमोटर ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमाएंगे फ्यूचर में, शेयर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा यही कमाएंगे क्योंकि प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा शेयर्स लेके बैठे हैं। उसके बाद पब्लिक ने देखो, पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है और पब्लिक के पास भी ये शेयर्स है, BSE का शेयर है, लेकिन फिर भी पब्लिक ने शेयर को खरीद के रखा है और उनको भी पता है ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो ये लोग होल्ड करके रखते हैं, तो ये इन्होंने होल्ड करके रखा है, अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है। और DIs जो है, जिसने कोई तो एक DI है जो बड़ा इन्वेस्टर है, जिसने 0.01% शेयर लेके रखा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ज़्यादा मिलते नहीं है शेयर्स, और बेचने के लिए भी नहीं मिलते और बाइंग के लिए भी नहीं मिलते मोस्ट ऑफ, क्योंकि इस टाइप का परफॉर्मेंस अगर देता है कोई शेयर, 5% का अपर सर्किट लगाएगा तो सर्किट पे हम यहाँ पे ऑर्डर भी डाल लेंगे तो सेलिंग का भी ऑर्डर डालेंगे, तो सेल नहीं होता है क्योंकि बायर कोई नहीं रहता, ये सर्किट पे मोस्ट ऑफ बायर्स नहीं मिलते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसीलिए थोड़ा कम भाव पे ही हमको बेचना पड़ता है या कभी कभी बिक जाते हैं कोई कोई सर्किट पे लेगा, अगर कोई कल के लिए नेक्स्ट डे के लिए बुलिश हुए हो तो कि नेक्स्ट डे ये शेयर फिर से भागेगा, तो ये और बाकी डिपेंड होता है कि लालच पे डिपेंड होता है कि हम कितनी लालच रखते हैं अपने अंदर, कि वो उस पे डिपेंड होता है। अगर शेयर को ये समझ के लो कि अगर ये शेयर मैं लूँ तो ये कल गिर भी सकता है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, तो ही शेयर मार्केट में आप कमा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं ये शेयर लिया है मतलब ये यहाँ से भागना ही चाहिए, नहीं भागा तो मैं फिर ये शेयर मार्केट में नहीं रहूँगा, तो यही चीज़ का जो होता है कॉन्फिडेंस, उसी के वजह से लोग ज़्यादा लॉस करते हैं और पेशेंस की कमी की वजह से ही वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। तो कंपनी ऑलरेडी अभी भी थोड़ा देखो हाई के आसपास है, तो ये हाई मार सकता है, ठीक है। तो ये हाई मारने के बाद
फिर शायद और डाउन भी आ सकता है या फिर और अप भी जा सकता है। तो ये कंपनी के इसके ऊपर है। और ऑलरेडी मैंने जैसे टिकर टेप पे बताया कि अभी थोड़ा ये ओवरबॉट में है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा गया है इसको और मूवमेंट इसने बहुत ज़्यादा दिखाया है, इस वजह से मैंने इसमें से निकल गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर 6 महीने का भी चार्ट देखोगे आप तो 6 महीने में इसने अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया था। ठीक है, यहाँ पे चार्ट दिखा नहीं रहा है बट हमने जैसे देखा इसने 5-6 महीने के अंदर भी बहुत बड़ा एक मोमेंट दिया था, फिर वहाँ से डाउन आया था, फिर से ये अप आया है। तो इसने अच्छा खासा मोमेंट दिया है तो इस वजह से ये शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और प्रॉफिटेबल आपको बना सकता है। ऑलरेडी बाकी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव है और अभी भी ये शेयर यहाँ से ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा ये जो हाई है उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा और या फिर हाई तोड़ने की कोशिश करेगा। हाई तोड़ने के बाद फिर थोड़े और नए टारगेट्स तो आएंगे इसमें और थोड़े लेवल बना सकता है बट यहाँ पे मुझे लगा कि ये अभी निकाल लेना चाहिए क्योंकि फ़िलहाल ये ओवरबॉट हो चुका है, ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल और नीचे भी आए तो उसको लेके चल सकते हो क्योंकि इसका 400 का रेंज भी देखोगे 400 में या 390-380 पे फिर से मिलता है तो फिर भी वहाँ से भागने के और ज़्यादा चांसेस है क्योंकि कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ इसमें थोड़ा सा अपसाइड आते जा रहा है, इस वजह से इसमें से निकलना सही रहा बट और थोड़ा नीचे आए तो ज़रूर आप लेके ये कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी कंपनी का हर एक चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी पे है, प्रॉफिट अगर ये कंटिन्यू कमाती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो थोड़ा आपको ट्रस्ट होगा ही और प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है और कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज़ में ये इनका माल बेचती है तो बहुत सही है, अपॉर्चुनिटी वाली कंपनी है कि ये आगे जाके अच्छा देगी बट हमारा प्राइस अच्छा होना चाहिए। तो कौन से प्राइस पे लेना है ये सबसे मैटर करता है, सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमारा प्राइस सही होना चाहिए, अगर प्राइस सही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये हाई के आसपास है तो ये हाई के बाद शायद से डाउन आता है या और भी अप जाता है तो मेरे को वो सारी चीज़ें इतना ओवर नहीं बोल सकता, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा भी नहीं होता है बट शेयर लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल अच्छा नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है और शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल मुझे अभी थोड़ा गिरने के चांसेस लग रहा है कि ये थोड़ा फिर से गिरेगा, फिर ये अप जाएगा। ठीक है, थोड़ा गिर के ही अप जाता है, कोई भी शेयर डायरेक्टली जाता है तो थोड़ा और ज़्यादा रिस्क होता है, अगर शेयर गिरते ऊपर जाता है तो उसमें सही माना जाता है। तो ऑलरेडी ये शेयर ने बीच में बहुत हाई भी मारा था फिर यहाँ पे बहुत तेज़ी से गिरा था तो ये शेयर इतनी तेज़ी से भागता भी है और उतनी तेज़ी से गिरता भी है तो यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस इसीलिए मैं दिखाता हूँ कि जो भी ये शेयर जिस तरीके से ये मूवमेंट देता है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तो जिससे आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिले, किसी के बातों में आने से पहले इसका सारा डिटेल मैं इसीलिए दे देता हूँ कि आपको भी खुद समझ में आए कि ये शेयर कैसा परफॉर्म करते आ रहा है पहले से और ये फ्यूचर में भी वही चीज़ें रिपीट भी करेगा तो कभी कभी बहुत स्पीड में बहुत सारे रिटर्न देगा और कभी कभी वो रिटर्न पूरा छीन भी लेगा तो ये भी होता है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है कम्प्लीटली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, कोई फेक चीज़ें नहीं है और कोई फेक डेटा यहाँ पे नहीं होता, जो भी है सामने सामने मैं चीज़ें बताता हूँ, कहीं का कोई कॉपी पेस्ट करके कहीं से डेटा लेके या खुद का मन का कुछ ऐड करके यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जो भी डेटा है सामने जो है वो डेटा जो बोल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं स्टडी करता हूँ वही चीज़ें बता रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने इसमें प्रॉफिट किया है, लगभग 21% से ज़्यादा इसमें रिटर्न्स मैंने लिए है। मेरा वो 360 का बाइंग प्राइस था इसमें, ठीक है, 360 के एवरेज के पास मेरा बाइंग प्राइस था और उसके बाद ये शेयर ने आज जो 455 दिया है तो इसके नीचे ही मैं 440 के ऊपर ही मैं निकल गया तो 21% से भी ज़्यादा रिटर्न है। तो इसीलिए
आपको भी प्रॉफिटेबल होना है तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने से घाटा नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अच्छे शेयर्स पता चलेंगे और कैसे कौन से शेयर में कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए या आपको उसमें लॉन्ग करना चाहिए आपको भी पता चलेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई फेक टारगेट या फेक चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े टारगेट्स बताने वाले बहुत सारे और भी चैनल्स है, तो यहाँ पे बड़े टारगेट्स नहीं है। जो भी है कंपनी का शेयर जिस तरीके से मूवमेंट करता है उसी तरीके से बताया जाएगा और उसमें कितने एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वही चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने से कोई मतलब नहीं होता, जो भी रियल है वही फैक्ट मैं बता सकता हूँ, बाकी कोई चीज़ें क्योंकि लालच इंसान को डुबा देती है तो लालच यहाँ पे नहीं करना है। मिनिमम एक रिटर्न लेना है, सही से रिटर्न लेना है और रिटर्न निकल के जाना है, फिर कोई और कंपनी या वो शेयर में रहना है। तो लॉन्ग टर्म में अगर वो शेयर ने आपको कम करके दिया, हर एक की किस्मत होती है, हर एक शेयर की किस्मत होती है, नहीं तो हर किसी को अगर पता रहता कि ये शेयर सच में 1000% दे सकता है, 2000 गुना हो सकता है, 5000 गुना हो सकता है, तो कोई भी वो एक ही शेयर पे पूरा का पूरा पैसा लगा देता, बट किसी को नहीं पता रहता है, वो हर एक शेयर की किस्मत होती है। तो सही शेयर्स लेके रखो पोर्टफोलियो में, शायद फ्यूचर में कोई ना कोई शेयर इतना ज़बरदस्त आपको रिटर्न देगा कि आपको ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सही शेयर्स यहाँ पे बताए जाएंगे, जस्ट उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, उसके बारे में स्टडी बताई जाएगी। कुछ शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखता हूँ, कुछ शेयर्स में शॉर्ट टर्म के लिए लेके रखता हूँ, और जिसमें मुझे कभी प्रॉफिट लेना, क्योंकि प्रॉफिट इसीलिए लेता हूँ ताकि मैं प्रॉफिट जनरेट कर करके और वो वेल्थ और जल्दी ज़्यादा क्रिएट कर सकूँ, इसलिए क्योंकि उससे CAGR अच्छा बन जाता है, जो कंपाउंडिंग एवरेज जो रेट होते रिटर्न्स होते वो अच्छे बने, इस वजह से मैं उसको प्रॉफिट लेते रहता हूँ और शायद कोई कोई शेयर्स को थोड़ा ज़्यादा होल्ड करके और ज़्यादा भी रिटर्न ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ इसमें से मैं निकल गया हूँ और इसमें एंट्री करने का टाइम थोड़ा और नीचे आएगा तो फिर से एंट्री कर सकते, क्योंकि ये अप डाउन बहुत होता है, ये BSE का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए भी थोड़ा और नीचे मिले तो इसमें लॉन्ग टर्म करके भी चल सकते हो, जिसको ये अप डाउन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो लेके रख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें उसके फाइनेंशियल्स पे होती है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा है तो कंपनी आपको कभी डुबा नहीं सकती। ठीक है, तो डेफ्री कंपनी है, डेफ्री नहीं है, डेफ्री के आसपास ही है, मतलब कर्जा थोड़ा कम है तो ज़्यादा कर्जे में नहीं है, तो ये कंपनी के डूबने के भी चांसेस कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय बाय।